देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है ये सैलेड, और बिल्कुल रशियन सैलेड जैसे। इसमें हमने कोई महंगी सब्जियां नहीं डाली, इसमें हमने अपनी देसी सब्जियां जो होती हैं उन्हीं से हमने ये सैलेड बनाया। हर चीज़ इसकी हमने घर में ही तैयार करी है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया और किन किन चीज़ों से बनाया। ये हेल्दी सैलेड बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आप दूध देख के सोच रहे होंगे मैं कोई मिठाई बना रही हूँ। नहीं, कोई मिठाई नहीं बना रही, हम बनाएंगे पनीर, मसाला पनीर जो हम बाज़ार से अक्सर ला के खाते हैं, मसालों वाला, जिसमें हरी धनिया पुदीना मसाले मिले होते हैं, वो पनीर जो हम बाज़ार से लाते हैं, मैं वो पनीर बना रही हूँ। तो अब मैंने ये दूध, मेरा ये 1.5 लीटर दूध है, ये मैंने गर्म होने रख दिया। दूध आप चाहे उबला ले सकते हैं और चाहे बिना उबला कच्चा दूध भी ले सकते हैं। ये दूध को मैंने गरम होने रख दिया। इतने हमारा दूध गरम हो रहा है, हम इसके लिए, हमारा दूध गरम होना शुरू होता है, ये मैंने एक सूती कपड़ा लिया। आप सोच रहे होंगे कि कलर्ड है, कलर छोड़ेगा, लेकिन नहीं, ये मेरा कलर नहीं छोड़ता है, मेरा कॉटन का दुपट्टा था। और धोने इसमें ही मैं पनीर छानती हूँ। ये मैंने लिए एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और ये 4 लौंग। इसकी पोटली बना के हम इसमें दूध में डाल देंगे, जिससे कि इसमें अच्छे से फ्लेवर सारे आ जाएंगे और इलायची का कलर जो आ जाता है डार्क ब्लैक सा, वो भी नहीं आएगा। ये दूध हमारा गर्म होना शुरू हो गया है, आपको दिख रही होगी हल्की सी भाप आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी सी चीनी, घी। आप कहेंगे घी क्यों? घी रिचनेस के लिए। ये देखिए, ये जमा हुआ है, मौसम बदल गया है तो देसी घी जमा हुआ है, मेरा घर का ही बना हुआ घी है। ये देखिए, इसको डाल देंगे। घी डालने से पनीर में रिचनेस आती है। आपने जो भी मसाले डालने हैं वो अभी डालिए, क्योंकि मसाले फ्लेवर दूध उबलने तक छोड़ते हैं, दूध में अच्छे से हो जाए अपनी फ्लेवर छोड़ेंगे। ये मैंने भुना जीरा पाउडर डाला है, आपके पास साबित भुना जीरा है तो वो डालिए, मेरे पास ये पाउडर है, मैं वो डाल रही हूँ। हल्की सी मैं अजवाइन डाल रही हूँ। और दूध हमारा गर्म होना शुरू हो गया है, अब इसमें मैं डालूँगी दही। ये दही से पनीर में अच्छी रिचनेस आती है और सॉफ्ट रहता है। इन सब चीज़ों को उबलने देते हैं। इसमें जो भी हमने हरी धनिया पुदीना, अगर आप ताज़ा डाल रहे हैं तो वो आप बाद में ही डालिए, जब बिल्कुल आप पनीर बनाने लगें। और अगर आप सूखा पुदीना और धनिया डाल रहे हैं, जैसे कि मैं डालूंगी, क्योंकि मेरे पास इस समय ना हरा धनिया हरा है और ना ही पुदीना है हरे वाला, हरे वाला मीन्स मतलब ताज़ा, तो जो मैं सूखा के पाउडर रखती हूँ मैं वो डालूंगी, इसलिए मैं इसमें अभी डाल दूंगी। ये डाला मैंने धनिया पाउडर। अगर आपके पास हरा धनिया ताज़ा है तो वही डालिए, सूखा डालने की से इतना टेस्ट नहीं आता जितना कि हरा धनिया डालने से आता है। और ये सूखा पुदीना, हमारे धनिया पुदीने के फ्लेवर्स आएंगे पूरे, लेकिन जो हरा धनिया पुदीना हम डालते हैं वो पत्ते पत्ते आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए हमारा दूध उबलने लगा है। अब मैंने इसमें ये डाली ली हैं हरी मिर्च, बारीक बारीक काट ली हैं हरी मिर्च। आप इसमें अच्छे से डालिए, क्योंकि जो हरी मिर्च का जो तीखापन होगा वो तो पनीर हम निचोड़ेंगे, पानी निकालेंगे उसमें निकल जाएगा। और ये मैंने डाला है बारीक बारीक अदरक काट के, इनको भी मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए हमारा दूध गर्म होने लगा है, लगभग उबलने के आसपास आ गया है बिल्कुल, ये देखिए। और जो हमने इसमें सब चीज़ें डाली वो भी अपना फ्लेवर इसमें अच्छे से दे चुकी हैं। अब हम अपने दूध को फाड़ेंगे। इसको फाड़ने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और विनीगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मैंने विनीगर लिया है 1 स्पून और उसमें मैंने पानी मिला लिया है। अब हम इसको धीरे धीरे डालेंगे। दूध को अगर धीरे धीरे फटता है तो वो बहुत सॉफ्ट बनता है पनीर, इस बात का ध्यान रखें। और हम एक साथ डाल के देखते हैं कि दूध फट रहा है नहीं फट रहा, जल्दी से ज़्यादा डाल देते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं बनता है, इसलिए दूध को धीरे थोड़ा सा डालें, फिर चेक करें नहीं फटा तो और डाल दें। इस तरह से दूध
छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे दानों में फटता है तो वो बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा पनीर बनता है। और जो एकदम से बड़े बड़े फटके, बड़े बड़े से चंक्स आ जाते हैं वो सही नहीं होता। पनीर बन जाता है लेकिन थोड़ा हार्ड होता है। ये देखिए हमारा दूध अभी नहीं फटा, मतलब और ज़रूरत है, मैं अब इसमें और डालूँगी। हमारा दूध आपको दिख रहा होगा कितने छोटे छोटे से बारीक बारीक से बनने लगा है, और हमारा दूध पनीर तैयार है। अब इसे हम ज़्यादा देर इसमें नहीं छोड़ेंगे, बस इतना छोड़ेंगे ये अपनी फ्लेवर सारी इसमें आ जाए, अच्छे से ये फट जाए। देखिए ये एक साथ नहीं फटा, धीरे धीरे फटा है, छोटे छोटे बने हैं और अब ये ऐसा हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे, इसमें जो हमने ये पोटली डाली थी इसको निकाल देंगे और अपने पनीर को छान लेंगे। अब ये देखिए हम, मैंने ये छलनी रखी है, छलनी पे ये मैंने मलमल का कपड़ा, और इसमें हम ये अपना पनीर डाल देंगे जो हमने तैयार करा। अब इसको हम अच्छे से धोएंगे क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला है, खटास जो है वो निकल जाए, इसलिए इसे हम साफ पानी से, ठंडे पानी से अच्छे से धोएंगे। और जो हमने ये पानी निकाला है दूध का पनीर बना के, उस पानी को फेंके नहीं, सूप बना रहे हैं, कोई दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं उसमें डालें। और इसके अलावा आप इससे अपना किचन का स्लैब भी साफ़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से साफ़ होता है। हमें इसे बहुत कस के निचोड़ना नहीं है, हम इसको साफ़ पानी में हमने धो लिया, एक बार मैं इसे और धो लेती हूँ। देखिए ये पनीर मैंने बहुत कस के नहीं छान निचोड़ा, इसमें से आपको दिख रहा होगा पानी निकल रहा है। मैंने ये एक बड़ी प्लेट ली और ये एक छोटी, और इस पर मैंने ये पनीर रख दिया। अब इसको आप शेप दे सकते हैं, जिस भी शेप में आप बनाना चाहें, स्क्वायर, गोल, जैसा भी बनाना चाहें आप इसको शेप दें। जो ये गांठ सी बनेगी इसको हम साइड में कर देंगे और इसके ऊपर वजन रखेंगे। वजन 1.5 किलो दूध था तो उस पर आप वजन भी 1.5 किलो ही रखिए। मैं इस पर ये चकला रख रही हूँ, ये पत्थर का चकला है। अब पानी जो होगा इसमें देखिए नीचे निकलता रहेगा, हमारे पनीर में भी नहीं रहेगा, अंदर उसमें जाएगा भी नहीं। अब ये तैयार हो जाता है, मैं इसे 2 घंटे तक रखूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पनीर को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इतने मैं पनीर को चेक कर रही हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और ये देखिए बातों बातों में ही हमारा पनीर भी तैयार है, कितने अच्छे से हमारा पनीर तैयार हुआ है, इतना बढ़िया और सॉफ्ट, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी टाइट पनीर नहीं है। अगर आप इन ट्रिक्स को अपना के ये पनीर बनाएंगी तो आपका पनीर घर में बहुत अच्छा बनेगा, जैसा हम बाज़ार से लाते हैं, जैसा मेरा बना है। अब मैं आपको इससे रशियन सलाद बना के दिखाऊंगी, तो चलिए रशियन सलाद बनाते हैं, उसके लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या सामान चाहिए। और पनीर तो आपने देख ही लिया मेरा कितना अच्छा बना है, मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पनीर बना है। तो चलिए अब हम अपने सलाद की तैयारी कर लेते हैं, अब हम अपने इस पनीर से सैलड बनाएंगे। देखिए हमारा पनीर कितना अच्छा बना है, मसाला पनीर जो हमने बनाया। और उसके लिए कौन कहता है कि हमें एक्जॉटिक सब्जियों की ज़रूरत है, हम घर में जो हमारी सब्जियाँ होती हैं उन्हीं से बनाएंगे। ये मैंने लिए बंद गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, अगर आपके पास शिमला मिर्च रेड और येलो है तो वो भी डाल लीजिए, कलरफुल और ज़्यादा हो जाएगा। ये थोड़े से अदरक की जूलियंस, ये एक हरी मिर्ची को लंबा काट, और ये प्याज। हम अब इसके लिए कोई भी ऐसी ड्रेसिंग नहीं बनाएंगे, सिंपल अपने घर के मसालों से ही हम इस सलाद को बनाएंगे। डाला चाट मसाला, मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, साल्ट टेस्ट। और इसमें डालेंगे हम कलर देने के लिए मिर्ची, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती, केवल कलर देती हैं, इसलिए ये मिर्ची डाली है मैंने। और एक नींबू का रस, और इसको हम हाथों से अच्छे से मिलाएंगे जो सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं।
अगर आप इसमें हरी पीली शिमला मिर्च डालेंगे तो और भी कलरफुल हो जाएगा। कलर अब भी है लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगा। और अभी से हम 15 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे और उसके बाद में दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना कलरफुल बना है। इसको 15 मिनट हो गए रखे हुए। अब मैं इसमें ये पनीर भी मिला दूँगी। आप चाहें तो पनीर ऊपर से डालें। पनीर प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है जो हम लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए। मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ डाली थी तो मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स नहीं डाले, इसलिए इसमें रेड रेड नहीं दिख रहा आपको, सब ग्रीन ही दिख रहा होगा। अब हम इसमें ये भी मिला देंगे। चाहें तो आप इनके छोटे छोटे भी पीस काट सकते हैं इस तरह से। ये कितना सॉफ्ट है, कितने आराम से कट रहा है हमारा पनीर। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके साथ ही। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये मैंने एक मील बनाया है। इसे आप एक बाउल भर के खाएं, आपको वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा। कितना बढ़िया हमारा सैलेड तैयार। महंगी महंगी सब्जियां नहीं डाली, जो पत्ता गोभी टमाटर अक्सर हम घर में यूज़ करते हैं वही यूज़ किए हैं। पनीर भी हमने घर पे ही बनाया, बाज़ार से नहीं ख़रीदा। देखिए कितना बढ़िया हमारा सैलेड तैयार। होप आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी सैलेड की। एक बॉल भर के दोपहर को खाएंगे तो आप पेट भर जाएगा, इच्छा कम नहीं हो जाएगी, पेट भर जाएगा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हम सोचते हैं होटल्स में जो सैलेड्स मिलते हैं कितने महंगे और कितनी महंगी महंगी सब्जियों डली होंगी, क्या होगा। देखिए कितना सिंपल सा सलाद जो हमने घर में तैयार कर लिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।